चौथ, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से, तो आज पूरा होल डे जो करवा चौथ पे हम जो जो चीज़ें करेंगे, जो सब चीज़ें जिस तरीके से भी करेंगे, वो सब आपको इस व्लॉग में आज देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा नॉइज़ का इशू हो सकता है क्योंकि हमारी आज गली खुद रही है, तो वहाँ पर थोड़ी मशीन वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो प्लीज़ आप इग्नोर करना। मेरे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये वीडियो पूरे एंड तक आपको देखनी है क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कीप वॉचिंग। देखो ये नहीं हुआ बिल्कुल भी खराब है, इस वाले इसमें रखा ना। ये ना काफी टाइम ऐसी पर्स में रखी थी, बाद में रखी मैंने, पर इसमें तो नहीं करके इनमें हवा ना लगा। पल्ले की साड़ी वैसे सही लगती है ना, लेकिन इसका पल्ला जो है ना भारी के मोटे सर पे कहाँ टिक गया था ना भारी। अब शाम को दूसरे कपड़े पहन लूंगी, आज संडे है ना। साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की की कहानी। श्री गणेश आय नमः। एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सूरज इधर चला गया। दीदी पकड़ो अभी से। टाइम छुट्टी है।
हाँ फ्रिज में रख लो, अभी बाहर को निकलोगे ना कोई चीज जाएगा, रख दो अभी। रहमानी निकलेगी बाहर दर्द। बजब कैसी लग रही है माँ, देखो वो तो काट रही थी, निशान पड़ गए थे यहाँ पे मेरे, काट भी थी जैसे जिनने उतरे चढ़े ना मैंने दो तीन बार, अब वो अड़ी मेरे। ऐसा भी नवी है, नवे ये चीज ऐसी परेशान, फिर कैसे करेगी, खड़ी खड़ी सी। हाँ उनका डिजाइन ऐसा खड़ा खड़ा। चलो अब इस पर रील बनेगी, इधर से तो ऐसा डिजाइन है और इधर से इसका ऐसा डिजाइन है। अब रोज में तो इन्हें बिना पैर पाओगे ना, इसलिए मैं आने जाने के लिए रखूंगी, तो मेरे मन की चीज हो गई अब। ना वैसे दूध भी आते हैं, वो भी पिलाना, क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ है ना वो उससे ही होती है, पाउडर वाला दूध जो आता है। बच्चे की ग्रोथ के लिए होता है वो, और माँ का दूध बोलते हैं डॉक्टर के ये बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए होता है, पेट नहीं भरता माँ के दूध में। हाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरा करवा चौथ का फर्स्ट लुक है, शाम को मैं कुछ और पहनूंगी। वैसे आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में ये लहंगा जो मैं शाम को पहनने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से भी हैंग करके रखा हुआ है कि इसमें थोड़ा ना सलवट वगैरह पड़ गई थी, तो ये थोड़ा ऐसे हैंग करके रहेगा तो ये सारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने फोल्ड करके रख दिया था, तो ये इसका कपड़ा थोड़ा इस तरीके का है ना, थोड़ा सिल्क टाइप का, तो इस वजह ससुराल में मतलब शादी, मेरी शादी को वैसे 1.5 साल हो गया और मेरा ये सेकेंड करवा चौथ है, और लास्ट ईयर दीदी यहाँ पे नहीं थी, वो उन्होंने अपना फर्स्ट करवा चौथ जो था ना वो अपने घर पे किया था अपने मायके में, तो हम दोनों का जो करवा चौथ साथ में पहली बार यहाँ पर पहला है जो हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपने अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप जल्दी से मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, हम दोनों की साथ में रील आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे, और मैं अपनी आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी रील्स अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब मैं थोड़ी देर में खाना बनाऊंगी, उसके बाद शाम का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे शाम तक, तक के लिए बाय बाय। बारिश ने कितना मजा बांध दिया आज, बांध दिया लोग आई जाती चाट पकौड़ी खाना आज बाहर, जिन्होंने ना बनाया माँ कह रही कल मैं कि तुम्हारा मन करता हो तो बाहर का आया ना, अच्छा नहीं माँ की बात मानी, नहीं तो हम तो खा लेते आज बाहर का हो जाती है, छम छम करती जाती लेंगे पैर के बाहर ना भाई, हम तो घर का ही खा लेंगे आज, इतनी मेहनत करके बनाया तो। मेरे दूल्हे राजा तो तैयार हो गए हैं, कपड़े लत्ते पहन के, कपड़े ना कहते हैं ना लत्ता, कह मैं लत्ता है खाना कुछ लेके नहीं जाना नीचे, गया खाना माँ, आप थाली वाली लेके गए के नीचे खाने की, मेरी भी तो पूछ लो बस, ऐसे आना है क्या, नंजम की वीडियो बनानी है क्या बस, जी ऐसे तो साड़ी सोल भी टोया माने तो फुर्ती में चोरी
हम भी आग लगा लेंगे, हमारे भी आके कर दो और क्या। खुआई उसमें डाल दो जल्दी पास। ये तुम तो ले जाओ चले ये पकड़ो लो, छत पे तो गिल्ला हो रहा होगा वैसे भी। नीचे कहाँ? तो हम ऊपर चले आएंगे, अब नीचे कहाँ जाओगे? कोई बात नहीं, हो गया ना। माँ से पूछ लो, ये यहीं रख दो ना, ये ऊपर की सराई सी, ये ऊपर की यहीं रख दो बस। अब ये जल ऊपर दे दो। बारिश पड़ रही, क्या पता लग रहा। लाइट ले, इसको लेके फोटो तो खिंचा लेगा जी। थाली को लेके आओ। हमें हमारा त्यौहार, हमारा त्यौहार कर रहा, पूजा आपकी हो रही है, हम क्या आपके लिए है। तो त्यौहार तो तुम्हारा ही है। और
क्या बनाया हमने आज? मटर पनीर और मिक्स वेज और ये रायता, हलवा, पूरी। बताओ कैसा बना खाना? क्या वो क्या कह रही हो? I'm saying कि खाना मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्या पता भूख की वजह से लग रहा हूँ। नहीं अच्छा बना हुआ है। मेहनत वसूल हो गई। मेहनत वसूल हो गई। गाइस इस तरीके से सेलिब्रेट करा हमने अपना करवा चौथ। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।